अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसा आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो हो गई है नेक्स्ट डे, तो हम लोग जैसे सहरी करके रोजे बोर्ड की तैयारी करने की थी, इफ्तार के लिए सामान तैयार करके सो गए थे। अभी ऐसे उठे थे, ये सरप्राइज दे दिए, तो सरप्राइज क्या है वो आपको बताते हैं। दे रहा तैबा, कैसे अचानक से आ गई? और बच्चों को भी लेकर नहीं आई, क्या हो गया? सच्ची बोल, तो अभी चली जाएगी वापस? क्यों ऐसे आई? चल झूठी, बच्चे को कहा सच्ची बता, छुपाई एक बार। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो ऐसा ही है, बच्चे अगर हो गए ना तो माँ बाप को जल्दी कोई नहीं पूछता है, सिर्फ बच्चों को पूछता है। इब्राहिम अरकान मिले? इब्राहिम अरकान भी तो नीचे ही थे, नहीं मिले। अच्छा अच्छा, चल जब तो अभी इफ्तारी में क्या खाएंगे, क्या खाना पसंद करेगी कि तू बनाएगी वो बता। जलावा फुलावा नहीं चाहिए? नहीं जलावा फुलावा नहीं चाहिए। ठीक है, तो तू एक काम कर, मैं बाहर से मंगा लेती हूँ और रहना इफ्तारी का सामान तू बना ले। बहना ये तो किस काम की है ना? बहन आई तो मम्मी आई, तो क्या हो गया? बहन आई है, काफी दिनों के बाद हाथ में आई है, मजा आ गया। तो ये सरप्राइज देने आई थी मम्मी को, तो मम्मी को पूरे घर में ढूंढ रही थी, पर मम्मी है नहीं, मम्मी नीचे चले गए बाजार के लिए, और ये इसका मोए मोए हो गया। अभी आएंगे, तभी मिलते हैं आपसे बाद में जब मम्मी आ जाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। तो गाइस टाइम मम्मी आ चुके हैं यहाँ पे, साहिबा भी मिल ली है, और लाइट हम लोग की चली गई थी इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, चार्जिंग पे रख दी मैंने अभी। और यहाँ पे दानिश अलग से शेफ बना है, टाइपा अलग शेफ बनी, और मम्मी अलग बन रहे, नौशीर अलग बनी, चारों अलग अलग ड्यूटी कर रहे। हाँ मैं आज आराम, आज मेरी आराम की, चल चल रोजे करती हूँ। हाँ मम्मी करती है, घर वाली ना बोला था ना, मेहमान नहीं है तू। रुई ना कर, रुई और पहले रुई को तो बुला ना, रुई आएंगे ना। रानी से कलिंगर काटा है यहाँ पे, तैबा ने काटी है शेप, आइजल क्या बनाने वाली, वो दही वड़ा बनाती है, वो सिर्फ दही वड़ा बनाती है, दही वड़ा बनाती है नहीं। तुम क्या बना रहे हो? बस इतनी सारी चीजें, बस इतनी सारी चीजें, मतलब इतनी सारी चीजें। चिकन लॉलीपॉप बनाओ, वो जो मामा ने बनाए थे चॉकलेट वाला, वाला अच्छा। तो फिर गाइस आइजल क्या कर रहे हो तुम? आइजल आइजल दीदी, आइजल आइजल आइजल। तो गाइस हम लोग इफ्तारी वगैरह हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मैं और तैबा रिजवान के घर पे, और दानिश कुछ काम से बाहर जा रहा है, तो फिर अभी पूछ लेते हैं रिजवान से कि क्या खाने का मेन्यू है ना तैबा, इसलिए जा रहे हैं ना अपन, वेन्यू पूछने के लिए जा रहे हैं ना। भाई के वहाँ क्यों जा रहे हैं अपन? ये मेरे भाई से मिलने जा रही हूँ, ये अपना काम बताने जा रही हूँ। मैं बोली मेन्यू भी पूछ लूँ उनसे भी कि क्या खाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से मेन्यू बता रही है, जैसे बिल भी पे करेगी, मेन्यू पूछने जा रही है। हाँ तो बिल नहीं पे करूँगी, बनाओगी ना वो? हाँ तो भाई से बोलेगी लाओ पैसे लाओ, होटल में आए थे बैठने खाने। नहीं वैसे नौशीन ने भी अभी से बना के रख दिए हैं फ्रीज करके, और अभी हम लोग भी जाके, क्योंकि सब डबल डबल चीज़ हो जाएगी, और चिकन है तो फिर मैं बोली एक सरका मिल भी लेते और बात भी कर लेते ना तैपा, वहाँ पे मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना तैबा? हाँ। और क्या बच्चों के लिए कुछ ली? हाँ। बच्चों के लिए सोए होगी कि जागे होगी क्या पता, है ना? हमारी सुबह तो सब
अच्छा तुम्हारी सुबह तो सबकी सुबह ऐसे देखी तो बहन वालेकुम अस्सलाम गाइस, हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और भाभी तो है नहीं, भाभी शॉपिंग करने गए हैं बच्चों की और यहाँ पे भाई अभी आए हैं और बच्चे भी इधर ही है। क्या कर ले मम्मा तुम लोग आराम से बैठ के? तुम लोग नहीं है शॉपिंग में? बजे तुम लोग नहीं गए शॉपिंग में? नहीं। क्या खाएंगे मम्मा तेरे क्या बनाऊं? गाइस हम लोग मुलाकात कर लिए और बैठ के बातचीत भी कर लिए भाई के साथ। एक्चुअली क्या हो गया था, भाभी तेरे भाभी गए हैं शॉपिंग करने, अभी रमजान के महीने तो बच्चों की तो शॉपिंग करनी जरूरी ही है, तो अभी शॉपिंग करने गए हैं वो। हाँ मोबाइल टाइम, तो अभी जाते हैं घर पे, है ना ड्राइवर? हाँ फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग वहाँ से निकल के हमारी फ्रेंड के वहाँ चले गए थे मिलने के लिए, अभी जा रहे हैं। अभी क्या लेने का है, शॉपिंग कुछ करना है, अभी देखते हैं क्या शॉपिंग करना है। कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, अभी जा रहे हैं। ठीक है, क्या लेते हैं क्या नहीं, फिर कैसे बात रात है क्या, सुबह है? सुबह रश है यहाँ पर, देख सकते हो गाइस इधर बहुत क्राउड है, बस देख सकते हो यहाँ पर बहुत क्राउड है, यहाँ पर आने का हैंग हो रहा है, हम लोगों को आवाज बोलने नहीं हो रहा है, इतनी क्राउड है। क्राउड देखने के लिए चल। तो गाइस यहाँ पे देखो इतनी गर्दी है और यहाँ पे टेबल हालत खराब हो गई, मुझे निकाल के निकाल के हम लोग ने ले चुके हैं सैंडल ले चुके हैं और जा रहे हैं घर पे, क्योंकि दानिश का फोन आ चुका था ना। हाँ दानिश का फोन आया था, बोले थे सैंडल लेके आओ, अभी तुम लोग नीचे उतरे हो तो लेकर जा रहे अभी। और बाप रे इतना क्राउड था हालत खराब हो गई ना, जैसे वहाँ सुबह थी, यहाँ देखो यहाँ भी नहीं लग रहा है कि रात हुई, लग ही नहीं रहा है कि रात है, रात के एक बजे। मेरे मुंबई, अच्छा मेरे मुंबई की, हुआ मोहम्मद अली रोड बिकॉज मैं यहाँ बॉर्न हो चुकी हूँ। अच्छा और बाकी सबका नहीं है, बाकी सबका नहीं है, बाकी सब जो बॉर्न है पैदा हुए उन लोग का है, बाकी बाहर से आए हुआ अलग बात। अच्छा ठीक है, तो बेटे खा रहे थे, यहाँ पे इतना क्राउड नहीं है बट जागता है, ठीक है लगेगा जाना। हाँ ऐसा है, तुम रात शहरी तक का कट्टा भी बजे जाओ, कितने भी बजे जाओ, है ना। हम लोग आ चुके हैं घर पे और यहाँ पे मम्मी ने सबको सुला दिया है, सब बच्चों को, टैबा के भी और मेरे भी, और यहाँ पे देखो ये सब सो गए, इधर ऐसे सो गए, डैडी भी सो गए। और मम्मी तुम किसके लिए जाग रहे हो? हाँ नहीं तो हम लोग बैल बजा बजा के थका देते ना, तो मम्मी सैंडल खा लो, सैंडल लाए तुम्हारे लिए। अरे वाह चल चल, मैं लाई, मैं इसने सिर्फ बोली थी है ना, मैंने ऑनलाइन करी थी क्योंकि कैश लेके गए नहीं थे। मम्मी इतना रश था उधर, ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आने रात हो गई, रात के एक बज रहे, ऐसा एकदम ऐसा लग रहा था। हाँ दीन है, चलते जाओ तुम, ठीक अभी खड़े हो देखने से अंदर के, इंशाल्लाह जाएंगे और तभी देखेंगे। गर्दी रहती है, माथों मत लगने, बहुत रश है, बहुत सिर्फ है ना, ऐसे में ना हम लोग को गर्दी में जाके खड़ा रहना रहता, पब्लिक धक्का मार के आगे भी पहुंचा रही थी, धक्का मार के पीछे भी पहुंचा रही थी, है ना तैमा? और ये तो मेरा हाथ पकड़ी थी, मैंने पकड़ी थी, तुम गर्दी में निकलते हो, मेरी फरियाद कर रही है तू गर्दी, तो गर्दी में बोल रही, तो कैसा निकलेगे ऐसा खींच के हाथ लेके चला रही, बाहर की क्राउड जाता है, हम लोग का एरिया वाला अभी जाता ही नहीं है, जंगल का पक गए। जिसके पास जो चीज रहती है उसकी कदर नहीं रहती, जिसके पास जो चीज नहीं रहती उसको ऐसा लगता है कि कब मिलेगी कब मिलेगी, है ना। फिर मिलने के बाद जैसे तुमको मेरी कदर नहीं है, वाह शाबाश, और कुछ शाबाश, तुझे लेने के मैं मिलती हूँ क्या? देखो तो अम्मी मेरी फरियाद चालू कर देती है, ऐसे बोलेगी तो छोटी बहन कब डांट करेगी। हाँ यहाँ पे नौशीन ने बना चुके हैं, क्या बनाया है ये तुमने? अरेबियन पुडिंग जो बहुत ट्रेंड में चल रही थी, तो मैं ट्राई कर रहे घर में बना रहे हैं, दाने बड़े में दोस्त क्या मिलते हैं मेरे को, घर में बना के देखते हैं कैसी बनती है। अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है ना, हमें अच्छी बनी ना अब्बा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। सो गाइज मैंने भी टेस्ट कर चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनी है, वो रिव्यू नौशीन के मोबाइल में, क्योंकि ये मेरे चेड़े चाले पार रही थी, है ना, तू चाले पार रही थी मेरे, तो कॉपी कैट कर रही थी, जा
बस कॉपी कैट है तू, कॉपी कैट। और यहाँ पे क्या कर रहा है अभी तू? उसको सोया है तो सोने देना, सोया है तो उसको बोलता है उठा और टेस्ट करा, है ना, टेस्ट करा। तो मेरे को कैमरा गोल गोल घुमाने को लगा रहा है, तू नहीं चल मत, तू खाया तूने तेल, रोशनी ने खास तेरे लिए बनाई थी, मेरे लिए मम्मी के बनाई, मम्मी को बहुत पसंद है। अरे तू बाहर जा रहा था ना खाने के लिए, मम्मी को अरबी डिश बहुत पसंद है इसके लिए, क्योंकि मम्मी अरब में पैदा होने वाली थी। अच्छा, तुझे टाइम होएगा। हाँ मम्मी, तुम अरब में पैदा होते तो इंडिया में पैदा हो गए। अच्छा ऐसा, हाँ मम्मी सही बात है, क्या बोलू लैला, सही बोले दादी। अच्छा तो अभी 2:30 बजे सोने का नहीं, आ जा थोड़ा खा लो, है ना, पबजी खेल। अरेबियन डेजर्ट तो खिला दिया, अभी अरेबियन खपसा वपसा तो खिला रहा है। नो रोशन कल बनाएंगे, है ना रोशन, और दानिश बनाएंगे। अच्छा जो दावत है तो उसकी तैयारी नौशीन की हो चुकी है, तो अब मैं भी कर लेती हूँ, किचन खाली हो गया। तो ये हमने चिकन का खीमा बना दिए हैं, इसके अंदर प्याज, ब्रेड, 2 स्लाइस ब्रेड का जीरा, चिकन मसाला, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, अखा धनिया जो रहते हैं साबुत धनिया, वो धनिया पाउडर, कोथमीर, पुदीना, मिर्ची और जीरा, ये सबको हम एक साथ पीस लेंगे थोड़ा सा ऑयल डाल के। और फिर अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसके शॉर्ट्स डालूंगी, और बाद में इसको क्या करना है, कोयले का स्मोक देना है, वधार करना है, समझ रहे हैं, कोयले की जो हवा आती है वो देना है वधार करने के लिए। और मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ, तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।